टूर्नामेंट के आधे में एक रिफ्लेक्शन दिखता है आपको कि कौन क्या कर सकता है, किसकी क्या एबिलिटी है, और ये क्लियर है जैसे आपने पहले भी कहा कि वो इंडिया में अब दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी शायद गेंदबाजी उनकी थोड़ी कमजोर है। इंग्लैंड को क्या हो गया है? इंग्लैंड ने तो कप कहा था द कप इज कमिंग होम, हम तो उनके होम में हैं, बट वेयर इज द कप? वो फुटबॉल में भी हर बार कहते हैं द कप इज कमिंग होम, सॉसर उनके पास नहीं है और कप हमेशा सॉसर के ऊपर ही रखा जाता है। सही बात है, कप का क्या करना है? हाँ, तो वो कहाँ किसके पास है वो देखना पड़ेगा। इंग्लैंड फंस सकता है आपको लगता है? क्योंकि तीन टीमें तो दिख रही हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और आंकड़े ये बताते हैं कि वो जो 92 आपका पहला वर्ल्ड कप था उसके बाद से अब तक जीते नहीं है इंग्लैंड ने, इन तीनों को वर्ल्ड कप में हराया ही नहीं है। बिल्कुल 27 साल हो गए हैं, इन तीनों टीमों को एक मैच नहीं उन्होंने हराया, तो कहीं ये ना हो कि द कप इज कमिंग होम के चक्कर में कप इज होम बट इज नॉट स्टेइंग होम, कप केम होम, कप इज कमिंग होम ना, तो कप केम होम कितना इट इज लाइंग हियर, हां मे के एंड में यहां पे कप आया था, मगर नॉट टू श्योर एट दिस स्टेज की स्टेइंग हियर और नॉट। बट इंग्लैंड बाहर हो सकता है, ये एक रियल थ्रेट है, ये एक थ्रेट जरूर है, मगर मैं समझ रहा हूँ कि इंग्लैंड के पास वो फायर पावर है कि वो तीन में से एक आधा मैच इधर उधर कुछ ना कुछ करके निकाल ले, क्योंकि वैसा देखा जाए तो इनमें से उन्हें एक मैच जीतना है और बाकियों में भी ऑब्वियसली थोड़ा पुश करना है, मगर हाँ तो मगर एक मैच जरूर निकालना है। वो इंडिया का तो नहीं हो सकता? नहीं, तो मैं यही चाहूंगा, बर्मिंघम वाला मैच तो नहीं हो सकता, बात करते हैं बाकी। सही बात है, लेकिन अब इंडिया का मैच है वेस्ट इंडीज से, वो वेस्ट इंडीज जो एक दो बार इस टूर्नामेंट में ये कह सकता है यार हमारी किस्मत एंड में हमें दगा दे गई, तो फिर वही डर कि भाई बड़े मैच तो इंडिया ने जीत लिए, अफगानिस्तान का जो सबसे आसान मुकाबला था वो सबसे क्लोज मुकाबला हो गया, अब फिर आप मैनचेस्टर जाते हैं, यही वेस्ट इंडीज टीम है, फिर बार बार लोग कहेंगे यार पता नहीं विच वेस्ट इंडीज विल लेक अप इन द मॉर्निंग, फिर वही कहानी तो नहीं हो जाएगी? वेस्ट इंडीज हमेशा एक अनप्रेडिक्टेबल टीम रही है और कुछ टाइम से इनकंसिस्टेंट भी रही है। एक स्टेज थी जहाँ पे वेस्ट इंडियंस आके एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते थे, और अगर वेस्ट इंडीज़ को आपको हराना है तो आप अपना टॉप गेम अगर ड्रेसिंग रूम में जाके नहीं लेके जाते तो खेले उस तो, टाइम पे तो फिर आपको कोई चांस नहीं था उस टीम के साथ। मगर इस समय मैं समझता हूँ कि उनमें अगर आप देखो तो क्रिस गेल डेंजरस प्लेयर है, मगर अगर कल के मैच के बारे में बात की जाए तो देखो आप उन्होंने छक्के कितने मारे और चौके कितने मारे, तो रिमेनिंग बॉल्स में कितने रन्स किए वो अगर आप देखो स्ट्राइक रेट तो बिल्कुल कुछ नहीं है, मगर उनमें वो एबिलिटी है कि अगर आपको 15 रन के रन रेट में भी जाना है कुछ ओवरों के लिए तो वो कर सकते हैं, वो उनके रीच के बियॉन्ड है नहीं, और जिस तरह से ब्रेथवेट ने भी दिखाया उनका उनका उनकी जो पावर है, जो एबिलिटी है मारने की, वो कुछ कमाल की एबिलिटी है, तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ हमारे स्पिनर्स ज़रूर काम में आएंगे। फास्ट बॉलिंग ऑफ कोर्स, शुरू में बुमराह का स्पेल बहुत क्रूशल रहेगा शमी के साथ, तो आई थिंक बॉल अगर क्रिस गेल से दूर जाता रहेगा आउटस्विंगर बुमराह का, तो वहाँ पे स्लिप फील्डरों को यही कहूँगा कि तैयार रहो शुरू में। अब तो इसमें ठंड भी कम होगी, अब तो हाथ में गेंद लग के इतनी दर्द भी नहीं होगी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कभी कभी तो ऐसे गेंद हाथ में लगती है तो पता भी नहीं लगता, एक डेढ़ सेकंड के बाद पता लगता है कि गेंद आके हाथ को लगी है ऑलरेडी, और ये ठंड में अगर खेलने की आदत ना हो तो फिर ये एक एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। मुझे याद है हम 1996 के टूर पे थे और यहीं पे होव में हम मैच खेल रहे थे सासेक्स में, और ग्राउंड बिल्कुल समुंदर के पास में ही है, तो इतनी ठंड थी, मैंने थर्मल डाला था, मैंने फिर उसके ऊपर दो टी शर्ट्स डाले थे, दो स्वेटर डाले थे, फिर भी ठंड लग रही थी, तो मैंने अंपायर से परमिशन ली, मैंने कहा कि जो मेरा इंडियन टीम का ट्रैक टॉप है उसे मैं उल्टा करता हूँ, क्योंकि अंदर की जो लाइनिंग थी वो पूरी सफ़ेद थी, तो उसे पहना तो ऑलमोस्ट 5-6 लेयर थे, फिर भी ठंड लग रही थी, तो ठंड में बहुत प्रॉब्लम होती है, जिन्हें आदत नहीं है खास करके तो उन्हें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मौसम अगर बदले, हालांकि इंडिया ने तो ठंड में भी मैच जीते हैं, मौसम बदले इंडिया को और फ़ायदा होता है? और फ़ायदा ज़रूर होगा, जितनी धूप आएगी उतनी इंडिया और छा जाएगी और स्पिनर्स को भी मदद मिलेगी उतनी, क्योंकि जो एक फील होता है बॉल ग्रिप करने का जी, तो कंडीशंस थोड़े गर्म होते हैं तो वो फील और ज़्यादा अच्छा मिलने लगता है, तो खास करके जब रिस्ट स्पिनर होता है
इधर लेग स्पिनर रहे या चाइनामन डालने लगे कोई, तो दोनों हमारे स्पिनर्स हैं उन्हें फील अच्छी आने लगी है क्योंकि ज़्यादा ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा तो उसमें उंगलियां भी आपकी जो नॉर्मल होनी चाहिए वैसे रहती है। सही बात। तो मैं यहीं पे एक दो बार गोल्फ खेलने गया था तो इतनी ठंड थी तो हल्की सी ड्रिजल भी हो रही थी तो पता ही नहीं लग रहा था कि मैंने गोल्फ क्लब पकड़ा है या नहीं। तो ये सारे चैलेंजेस प्लेयर्स भी फेस करते हैं जब खेल रहे होते हैं अंदर। आप ओवरऑल इंडिया को कैसे देखते हैं, मतलब क्योंकि कहते हैं ना कि बड़ी टीम को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, जो अभी तक आपकी असेसमेंट, आपको लगता है कि तकरीबन हर सिचुएशन के लिए टीम तैयार है? क्योंकि हमें अगर आप देखो कि बैटिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने अच्छी स्टार्ट की है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ थोड़ी टेस्टिंग टाइम थे शुरू में और पहले मैच हाँ कि है ना, और पाकिस्तान के खिलाफ तो बहुत ही कमाल की तरह से हम खेले, वो पूरी मैच अगर आप देखो तो हम कंट्रोल में दिख रहे थे और यहाँ पे बॉलिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था और ऐसे कुछ दिखाई दे रहा था कि अभी हमने हमारा काम किया है बैटिंग साइड ने, ये बारी तुम्हारी है, अगर हम फेल हो जाते हैं तो आप क्या, आपको आके कुछ बॉक्स ठीक हो गया वो कल बिल्कुल गेंदबाजी तो, का बिल्कुल बिल्कुल, तो ये एक मैं कहूँगा कि सारे बॉक्सेस हमने टिक कर दिए हैं, एक रह गया बड़ा स्कोर चेज करना। हाँ वो तो होपफुली मैं कहूँगा कि अगर हमें पहले गेंदबाजी करनी है तो फिर बॉलर्स उनका काम करें और बड़ा टोटल ना दे हमें चेज करने के लिए, क्योंकि आई थिंक जब आप चेज कर रहे होते हैं और दो तीन विकेट बीच में जाते हैं तो फिर प्रेशर बढ़ता जाता है, तो मैं यही समझता हूँ कि ज़्यादा लंबा स्कोर नहीं है। आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है क्योंकि एक्चुअली मैं अब जब बात कर रहे थे तो जहन में सोच भी रहा था, इंडिया को पिछले दो साल में उस तरह के बहुत कम मुकाबले मिले हैं क्योंकि बीच में ये था कि आपने 350 चेज कर दिया, आपने 360 चेज कर दिया, आपने कहा तालियां बजाई, लेकिन ये भी सोचा कि यार 350 बनवा भी तो रहे हो, 360 बनवा भी तो रहे हो। और उस तरह के विकेटों पे खेलोगे तो वो होगा ही, आई मीन अगर उस तरह के विकेट विद दो नए बॉल और ज़्यादा फील्डर रिंग में तो रन्स अगर आप देखो तो ज़्यादा होने ही है, हो रहे हैं, तो जहाँ पे थोड़ा हेल्पफुल ट्रैक रहेगा तो फिर बॉलर भी गेम में रहता है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़े हेल्पफुल ट्रैक्स रहे क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा निकली नहीं है, मगर जिस समय धूप ज़्यादा निकलने लगेगी और भी ज़्यादा बैट से बॉल तेज़ निकलने लगेगा। दो साल पहले सचिन भाई यहीं पर इंग्लैंड में एक एक्सपेरिमेंट हुआ, मुझे याद है मैंने आपका इंटरव्यू किया था चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल से पहले, हम सब बड़े कॉन्फिडेंट थे, पाकिस्तान से हम हार गए, उसके बाद टीम मैनेजमेंट ने कहा कि हमें फिंगर स्पिनर्स नहीं चाहिए, हमें दो रिस्क स्पिनर्स चाहिए। आपको लगता है ये फॉर्मूला, ये जो रिस्क भारत ने लिया था, जो पंट भारत ने लिया था, वही आज इस टीम को इतनी बड़ी टीम बनाता है इन दोनों को बैक करने से? आई थिंक मैं हमेशा ये बोलते आ रहा हूँ कि रिस्क स्पिनर्स दुनिया में बहुत कम है, फिंगर स्पिनर्स तो है, अगर आप लेफ्ट आर्म स्पिनर देखो तो ऑलमोस्ट हर टीम में एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हर टीम में एक ऑफ स्पिनर भी है, मगर हर टीम में क्वालिटी चाइनामन बॉलर है नहीं है, हर टीम में क्वालिटी लेग स्पिनर है नहीं है, तो वो एक क्वालिटी रिस्क स्पिनर जब आता है टीम में तो फिर वो गेम के सारे नंबर्स चेंज कर देता है, कैलकुलेशंस चेंज होने लगते हैं। ये दोनों सियाने भी है ना? बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि चहल किस तरह से अपनी लाइन चेंज करने लगते हैं और उसी तरह इवन आप देखो तो कुलदीप भी कमाल की वेरिएशन उनके पास है और वो पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो उन्होंने वो ब्रेक थ्रू दिलवाया हमें वो बहुत एक क्रूशल समय पे वो ब्रेक थ्रू था क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था कि ना बारिश आने वाली है कुछ टाइम में और उस समय डॉट बॉल की नहीं विकेट की ज़रूरत थी, क्योंकि एक हाथ दूसरा आप डॉट बॉल डालते हो और वही बैट्समैन अगले दो बॉल में एक छक्का और एक चौका मार देता है तो फिर वो सब मेकअप हो जाता है, मगर विकेट जब निकालने लगते हो तो आपका टारगेट ड्रामेटिकली बढ़ते जाता है। वेस्ट इंडीज़ का मैच होप हेटमर पूरन ये यंगस्टर्स अच्छे हैं उनके पास, अगर वेस्ट इंडीज़ सोच रहा हो कि इंडिया को हराने का बेस्ट पॉसिबल चांस हमारा क्या है तो वो क्या होगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से? मुझे लगता है अगर वेस्ट इंडीज़ को हमें हराना है तो वेस्ट इंडीज़ को जल्दी विकेट्स निकालने होंगे क्योंकि भारत के पास वो डेप्थ है, वो फायर पावर है बैटिंग में, अगर शुरू में आप विकेट नहीं निकालते
तो हमारे बैट्समैन क्वालिटी बैट्समैन है, ऐसे नहीं कि हम कहते कि उसका लगने लगता है तो वो डेंजरस है, ऐसे नहीं है। हमारे बैट्समैन नॉर्मल गेम खेल के टेक्निकली करेक्ट बैट्समैन है, तो वो करेक्ट बैट्समैन रहेंगे। जब टेक्निकली आप साउंड हो और मेंटली भी साउंड हो तो फिर आपकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू वेस्ट इंडियन। और इसलिए मुझे लगता है कि वेस्ट इंडियन टेक्निकली हमारे इतने अच्छे नहीं हैं, ना मेंटली उतने साउंड है मुझे लगता है, तो ये एक फ़र्क है। तो वेस्ट इंडीज़ को अगर हमारे खिलाफ अच्छा परफॉर्म करना है तो उन्हें जल्दी विकेट लेने पड़ेंगे। और अगर आप इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, लीग टॉप करना क्या इस वक्त आपकी प्रायोरिटी नंबर वन होगी? आई थिंक टॉप करना तो मैं कहूँगा कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब आपने सबको मुश्किल में डाल के आप एक पोजीशन पे पहुँच जाते हो, तो ये अगर पोजीशन में आप आते हो तो फिर बाकी टीमों को भी वो एक एक्सपीरियंस रहता है कि लीग फेज़ में इनके साथ कैसे हम खेले थे। सही बात है, तो सबको हरा के ही आगे जाना मैं कहूँगा कि यार मैं नहीं चाहता हूँ। और सिर्फ ये टूर्नामेंट में नहीं, मगर मैं जनरली कहूँगा कि ना जब आप भारत के लिए खेलते हो हर मैच जीतना चाहिए। होगा नहीं कभी, क्योंकि स्पॉट में कभी ऐसे नहीं होता, ये अप्स एंड डाउन्स तो होते ही रहते हैं, मगर आप जब ग्राउंड पे जा रहे हो तो आपका इंटेंट सही होना ज़रूरी है। आपको प्लेयर्स मिल रहे होंगे जब आप कमेंट्री भी करने जाते हैं, तो इंडियन प्लेयर्स तो ज़रूर मिलते होंगे आपको? कभी कभी होती है थोड़ी मुलाकात। पाकिस्तान के पहले मैंने जाके काफ़ी सारे प्लेयरों को मैंने विश किया था और बात भी हुई थी। इनफैक्ट मुझे याद है कि मोहम्मद शामी के साथ बात हुई थी, वो तो नहीं खेल रहे थे उस मैच में। उस बात का फ़ायदा हो गया, मैं रहा देख रहा हूँ, बोला देखना तेरा मौका आएगा कभी ना कभी इस टूर्नामेंट में तेरा मौका आएगा, और उस समय बहुत क्रिटिकल फेज़ होगी टूर्नामेंट की और तुम कुछ कर दिखाओगे। मैं ये नहीं उम्मीद करता हूँ कि कोई फेल हो जाए या इंजर्ड हो जाए, क्योंकि ये हमारी टीम है, जो भी 11 प्लेयर्स ग्राउंड पे जाते हैं वो हमारे प्लेयर्स हैं, मगर तुम तैयार रहना, कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है। नहीं, प्लेयर्स जो फीडबैक आया कि सचिन ज़रूर देखते हैं, आज तक पर भी देखते हैं, इंडिया टुडे पर भी देखते हैं, और स्पोर्ट्स तक जो यूट्यूब चैनल उस पर भी देखते हैं, तो आप जो बोल रहे हैं वो सुना भी जा रहा है, हो सकता है उस पर अमल भी किया जा रहा हो। अगर सचिन तेंदुलकर ने मोहम्मद शमी को कहा है कि भाई आपका वक्त आएगा, तो वक्त आ भी गया। अब वक्त इंग्लैंड का भी है, इंग्लैंड का मुकाबला, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया और उसके बाद कहते हैं जी इंडिया इंग्लैंड, टिकटें ही नहीं हैं, उस मैच की टिकटें भी नहीं हैं, उस मैच का ये भी नहीं है, और वो फाइनल से पहले का फाइनल है। ये इंग्लैंड वाले क्लेम कर रहे हैं कि फाइनल से पहले का फाइनल है। मैं तो कहूँगा कि हम ज़्यादा अच्छी पोजिशन में हैं ये कहने के लिए उनसे इस स्टेज में, और यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही पोजिशन में हम रहे लास्ट डे तक, बेहतर पोजिशन में, क्योंकि इंग्लैंड के जो दो मैचेस रहे वो उन्हें काफ़ी हर्ट कर सकते हैं। एक पाकिस्तान के खिलाफ वो हारे हैं और दूसरा अभी वो पिछला मैच हारे श्रीलंका के खिलाफ, तो ये दो मैचेस जो उन्हें जीतने चाहिए थे, कि अगर आप इस समय पे टेबल देखो और वहाँ पे दो विक्ट्रीज ऐड कर दो, नंबर्स कम्प्लीटली चेंज होते हैं, कोई वहाँ पर डिस्कशन होता नहीं है, हम सब यही कहेंगे क्योंकि ये चार टीमें सेमीज में जा रही है, मगर अभी टेबल इज़ वाइड ओपन। नहीं, वो एक ही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने का दबाव तो नहीं है, क्योंकि हम तो जी अग्रेसिव हैं, हम तो इंग्लैंड हैं, हम तो 400 रन बनाएंगे, हम तो हवा में मारेंगे, वो कभी कभी प्रेशर तो नहीं आप पे डाल देता, क्योंकि कभी कभी आपको अपना प्लान तो ऑल्टर करना ही चाहिए ना। एक उसमें बात उनके लिए क्लिक नहीं हो रही है, जॉश बटलर अब तक क्लिक नहीं हुए, वो थोड़े उनका पैच कुछ ठीक नहीं है, और ये पैच में ज़्यादा रन नहीं बने हैं, तो एक अच्छी स्पेस में है नहीं, क्योंकि मलिंगा का जो उन्होंने बॉल मिस किया है यॉर्कर, वो मुझे नहीं लगता कि उस बॉल पे जॉश बटलर इतने अच्छे प्लेयर है, उन्हें आउट होना चाहिए। ये अच्छा बॉल है तो वो एक डॉट बॉल हो सकता है, मगर वो बॉल मिस नहीं होना चाहिए मुझे लगता है ये, मगर उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें अभी चल रही होगी, वो फॉर्म में आते हैं तो फिर वो एक डेंजरस प्लेयर होता है, क्योंकि जॉश बटलर में जो एबिलिटी है, जो 360 हम कहते हैं कि कहीं भी खेल सकता है ग्राउंड में, और कोई भी शॉट आपको वो शॉट जॉश बटलर मार सकता है, तो वो डेंजरस प्लेयर बन जाते हैं। तो इंग्लैंड यही उम्मीद कर रही होगी कि जॉश बटलर जल्दी से जल्दी फॉर्म में आए और मोमेंटम चेंज करें हमारे। और उनकी बॉलिंग को आप कैसे असेस करते हैं, मतलब एक इंडिया की बॉलिंग वीजा वी इंग्लैंड की बॉलिंग, और इंग्लैंड की बॉलिंग क्या वर्ल्ड चैंपियन टीम की बॉलिंग है उनके पास? इंग्लैंड के पास बॉलिंग अच्छी है मैं कहूँगा, क्योंकि
अगर आप देखो तो वोक्स नया बॉल करते हैं जॉफ्रा आर्चर के साथ, और अगर आप पेस के बारे में बात करो तो आर्चर है और वुड भी ठीक थे, दोनों कर रहे हैं 90 प्लस कंसिस्टेंटली बॉलिंग कर रहे हैं और अग्रेसिव बॉलर है, तो मैं कहूँगा कि उनकी बॉलिंग सीम बॉलिंग अच्छी है। स्पिन बॉलिंग मुझे नहीं लगता कि इंडिया के खिलाफ उतनी तकलीफ हो सकती है इंडिया को स्पिन बॉलिंग उनकी हैंडल करने में। मोइन और राशिद करेंगे, मगर मुझे लगता है कि हम मैनेज कर सकते हैं, हम करेंगे। और आपकी बैटिंग को भी देखें आप, जैसे मौके मिल रहे हैं, रोहित ने भी बैटिंग की है अच्छी, विराट कोहली ने भी की है। मध्यक्रम में थोड़ी सी कमजोरी आप इंग्लैंड को देखते हुए मानेंगे कि यार थोड़ा सा मिडिल ऑर्डर अभी भी स्ट्रगल कर रहा है? मे बी, मैं ये समझता हूँ कि जब सीम बॉलिंग अगर आती है तो बॉल का पेस यूज करने वाले बैटर्स है हमारे पास, कि जैसे केदार है जो बहुत अच्छा पेस को यूज करते हैं, धोनी भी, आई थिंक जब आप थोड़ा स्पीड बढ़ाते हो तो फिर कम रिस्क लेके वो रन्स ले सकते हैं, और स्पिनर आते तो उन ऑब्वियसली हमारे पास वो एबिलिटी है सभी के पास चौके और छक्के मारने की, सिर्फ वो एक थिंकिंग है, वो थोड़ी सी चेंज करनी होगी, थोड़ी सी ट्वीक करनी होगी, या ना हमें और थोड़ा पॉजिटिव इंटेंट दिखाना है कि लास्ट मैच में मुझे ऐसा लगा कि और यहाँ पे एक या दो विकेट जाते तो क्या होगा, ये सोच रहे थे और इसलिए थोड़ा कॉशस थे, मगर कॉशस होना इम्पॉर्टेंट है, ओवर कॉशस होते तो फिर प्रॉब्लम। लंबी टेल जहन में थी मतलब हार्दिक के बाद, क्योंकि भुवनेश्वर का नाम कहीं ना कहीं तो हाँ वो हर्ट कर सकता है हमें, क्योंकि हार्दिक के बाद शमी आए तो वो शायद, आई मीन शमी यही कह रहा होगा अरे मैं भी बैटिंग कर सकता हूँ, मगर वो शायद वो शायद एक एरिया है जहाँ पे हर्ट हो सकता है, वो हो सकता है। लेकिन इंग्लैंड को अगर भारत को हराना हो तो ये स्पिनर्स का दोनों का क्या रोल है, क्योंकि एक साल पहले जब इंडिया इंग्लैंड आया था तो शुरू के मैचेस में चहल और कुलदीप ने बड़ा परेशान किया था इनको, बाद में लगा कि वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं इनको। हाँ, आई मीन कभी कभी ऐसे होता है कि बैट्समैन सॉर्ट आउट कर लेता है, मगर बॉलर जैसे बैट्समैन बॉलरों को स्टडी कर रहे हैं उसी तरह बॉलर भी बैट्समैन को स्टडी कर रहे होते हैं, और आई एम श्योर कि दोनों के पास कुछ ना कुछ तो सरप्राइज रहेगा उनके लिए, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि ना ये दोनों बॉलर्स उन्हें तकलीफ दे। मगर ये कहना चाहूँगा कि जो रूट वगैरह बहुत अच्छे प्लेयर है स्पिन बॉलिंग के, उनका फुटवर्क बहुत अच्छा है वो, हाँ, और वो हाथ से रीड करते हैं बॉल को, वो पता लगता है, कई बार प्लेयर्स हाथ से नहीं रीड कर पाते तो वो प्रॉब्लम हो जाता है उनको, क्योंकि जब खास करके जब कुलदीप मिक्स कर रहा है उसका रॉन्ग वन और चाइनामन, तो वो अगर हाथ से नहीं रीड कर रहे हैं और ऑफ द पिच खेलने के लिए देख रहे हो तो देन इट्स टू लेट, तो तब तक तो बॉल निकल जाती है, तो हाथ से रीड करना, हवा में किस तरफ बॉल घूम रहा है ये भी देखना, क्योंकि हवा में भी देखते हैं बैटर्स कि किस तरफ गेंद घूम रही है, और फिर आप प्लान करते हो कि ओके ये डाला है तो शायद बॉल रॉन्ग वन रहे और लेग स्टंप पे रहे, मगर मैं अगर इनसाइड आउट ऐसा खेलता हूँ शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से तो भी ये सेफ शॉट है, और कभी कभी बॉल दिखते है कि ऑफ स्टंप के बाहर है क्रॉस बैट से मार रहे, मगर आप हाथ से पिक करते हो कि चाइना मैन है और इसी तरफ जाना है तो यहाँ का बॉल भी आप इस तरफ मारते हो तो वो सेफ शॉट है, तो वो बैट्समैन को एनालाइज करना इम्पोर्टेंट है, और अच्छे प्लेयर्स जो होते हैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स वो रीड करते हैं रिस्क से, हवा में भी देखते हैं और ऑफ द पिच भी देखते हैं कि कितनी घूमने वाली। लेकिन हमें तो इंग्लैंड को हराना है, आप रहेंगे ना वहाँ पे? मैं रहूँगा वहाँ पे। अभी तक जो वर्ल्ड कप चल रहा है, एक अब मैं एक इंडियन फैन हूँ तो मैं कितना खुश हूँ, और अगर मुझे कोई फिक्र हो तो वो क्या हो? आई थिंक सेलिब्रेट करना चाहिए, अब तक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, पहला हाफ मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा हाफ है, शट द बुक बाजू में रखो, अभी सेकंड हाफ वाला बुक शुरू करो पढ़ने, वो वापस पहले पन्ने से शुरू करो पढ़ना और वो पेज बाय पेज स्लोली स्लोली। और सेकंड हाफ एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट है, मैं तजुर्बा कितना रोल प्ले करता है? आई थिंक सेकंड हाफ में सबसे क्रूशल मोमेंट रहेगी सेमीफाइनल और फाइनल, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे आपको दूसरा मौका है नहीं, और यहाँ पे मैं फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा मे बी फॉर्मेट, कि फॉर्मेट मुझे अगर पहले दो पोजीशन वाले टीमों को और एक मौका मिलता है आईपीएल की तरह, बिल्कुल
मैं कहूंगा कि बेहतर है, वो जरूर होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि जो टीम अगर किसी के खिलाफ नहीं हारती, कि आप पकड़ लो कि इनर टॉप टीम्स आएंगे यहाँ पे, पहले दो टीम्स जिन्होंने बाकी टीमों से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, खास करके नंबर वन जो टीम आती है तो उन्हें एक वो फील होता है कि ना मैं नंबर वन हूँ, तो उस टीम को, उसको और नंबर टू टीम को दूसरा मौका होना ज़रूरी है मुझे लगता है, और ये फॉर्मेट में शायद बदलाव लाना ज़रूरी है, क्योंकि टॉप टू टीम्स डिजर्व दैट। नहीं, ये बड़ी बात है, क्योंकि कभी कभी लगता है कि यार आईपीएल में भी यही फॉर्मेट है, राउंड रॉबिन है, यहाँ पर राउंड रॉबिन है, लेकिन नॉकआउट में आप एक अच्छा दिन, एक खराब दिन और आप बाहर। लेकिन जो आईपीएल का फॉर्मेट है, क्वालिफायर्स और एलिमिनेटर्स, वो तय कर सकता है कि आप किस तरह से क्रिकेट खेल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन भाई। आप भी दोबारा देखते हैं ना प्रोग्राम्स टीवी पे? मैं देखता हूं और मैं एंजॉय करता हूं। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।